प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषाचार्य पंडित नरेंद्रनाथ पांडे मध्य प्रदेश ग्वालियर से बोल रहा हूँ। जिस प्यार सने के साथ आप लोग मेरे प्रोग्राम को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। आप लोग के सहयोग के लिए मेरे प्रत्येक वीडियो में मेरा मोबाइल नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, फिर भी मैं बोल देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर 9425308111। दोस्तों, आपसे बार बार मैं अनुरोध किया हूँ कि ये मोबाइल नंबर सिर्फ इसलिए मैं देता हूँ कि कोई वीडियो संबंधित प्रश्न हो तो आप करिए, मैं आपको सहयोग कर दूँगा। लेकिन अगर आप लोग अपने कुंडली का विशेष विश्लेषण कराना चाहेंगे तो आप संपर्क करिए, उसका फीस आपको देना पड़ेगा। जब फीस आप देंगे तभी कुंडली का विवेचन हो पाएगा। आप लोग के सहयोग के लिए, आप लोग के प्यार के लिए ही मैं अपना फोन नंबर देता हूँ, उसका नजायज दुरुपयोग आप लोग मत करिए। बहुत से मित्रों का फरमाइश आया है, बुध ग्रह कुंडली के किस किस भाव में क्या हानि देता, क्या लाभ देता, क्या प्रभाव देता, आज प्रस्तुत कर जिसके कुंडली में लग्न पर लग्न में बुध बैठा हुआ हो, ऐसे लोग तेजस्वी होते हैं, उदार होते हैं, भावुक होते हैं, दयालु होते हैं। जिसके कुंडली में दूसरे भाव में बुध बैठा हुआ है, ऐसे लोग दूरदर्शी होते हैं, कार्य करने की क्षमता होती है, व्यक्ति को पहचानने की क्षमता होती है और अपने सम्मान के साथ ही उन्नति करते हैं। जिसके कुंडली में तीसरे भाव में बुध बैठा हुआ है, ऐसे लोग माता पिता के सेवक होते हैं, भाई बंधुओं के सेवक होते हैं, ऐसे लोग सामाजिक कार्य करते हैं, गरीबों की सहायता करने वाले होते हैं, धार्मिक होते हैं, उदार होते हैं। जिसके कुंडली में पांचवें भाव में बुध बैठा हुआ हो, ऐसे लोग पूर्ण विद्वान होते हैं, अच्छी शिक्षा पाते हैं, गुप्त विद्या की शिक्षा पाते हैं, संगीत की शिक्षा पाते हैं, कला की शिक्षा पाते हैं, डॉक्टर और इंजीनियर बनते हैं। जिसके कुंडली में छठवें भाव में बुध बैठा हुआ हो, ऐसे लोग शत्रु विहीन होते हैं, ऐसे लोग शत्रु से दूर रहते हैं, कभी जेल नहीं जाते, कभी इनका चरित्र खराब नहीं होता। जिसके कुंडली में नौवें भाव में बुध बैठा हुआ हो, ऐसे लोग राजनीति में सफलता पाते हैं, नेता बनते हैं, संसद बनते हैं, उद्योगपति बनते हैं। जिसके कुंडली में ग्यारहवें भाव में बुध बैठा हुआ हो, ऐसे लोग विदेश से धन लाते हैं, विदेश से धन कमाते हैं, अपनी पहचान स्वयं बनाते हैं, राजा के समान जीवन जीते हैं। एक चीज और भूल गया था, उसको सुन लीजिए। जिसके कुंडली में सातवें भाव में बुध बैठा हुआ हो, इन लोगों का पारिवारिक जीवन अच्छा रहता है, ऐसे लोग अक्षमातिक पद पाते हैं, ऐसे लोग इच्छानुसार शादी करते हैं, ऐसे लोग कभी भी दाम्पत्य जीवन में दुखी नहीं रहते। ये छोटा सा वीडियो आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया, कुंडली में बुध किन किन घरों में भाव में क्या क्या प्रभाव देता है, हानि देता है, क्या लाभ देता है, अधिक लाभ देता है, ये आपके सामने प्रस्तुत किया। इसको सुनिए और इससे कोई संबंधित प्रश्न हो तो मुझसे करिएगा। नमस्कार।